परासिया जनपद पंचायत में सचिव के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है निर्माण कार्य कराए बिना ही पैसे का भुगतान कर दिया गया है। भमोड़ी ग्राम पंचायत के सचिव का भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्राम पंचायत के पंच ने आरटीआई से जानकारी मांगी, लेकिन जब जानकारी नहीं मिली तो वो भ्रष्टाचार को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गया और सचिव को निष्कासित करने की मांग की। पंच वीरेंद्र कौरव का आरोप है कि कार्य का निर्माण किए बिना पैसे निकाल लिए गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते वे आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। मैंने पंचायत के खिलाफ आईटीआई लगाया था, इसकी जांच काफ़ी समय से हम लोगों ने किए नहीं। अब यह है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं भमोड़ी पंचायत में, वो जहाँ निर्माण कार्य नहीं भी हुआ है उसका भी उनने पैसा निकाल चुके हैं। जैसे वार्ड नंबर 4 से मैं वार्ड पंच हूँ, ये उसका ऑनलाइन बिल है, रुपये की लागत से उन्हें रंगमंच बनाए हुए हैं, उसकी पूरी पेमेंट हो चुकी है। रंगमंच बना नहीं, इसी के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार के, इसलिए मैंने जनपद सीओ एसडीएम साहब को, जिला कलेक्टर को और जिला सीओ को मैंने इसे अवगत करवाया था, उसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए मैंने असल में आज बैठना प्रारंभ किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।